तो दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं रेलवे की तरफ से, और अभी हाल ही में बहुत लोगों की ट्रेनें भी कैंसिल हो गई हैं जो कि अपना टिकट बुक किया था, और उसका रिफंड पाने के लिए लोगों में होड़ मची, वो परेशान हैं लेकिन उनको रिफंड नहीं मिल रहा। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको वो कैसे रिफंड मिल सकता है और रेलवे की तरफ से कौन से नियम बदले गए हैं। तो हेलो दोस्तों, कानपुर से मैं ऐसे चला करता हूँ, आपका स्वागत इस नई वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि रेलवे की तरफ से सारी ट्रेनें, एक तरीके से देखा जाए तो सारी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, तो उसी को लेकर कुछ नए नियम रेलवे की तरफ से लागू किए गए हैं जो कि रिफंड को लेकर हैं। सबसे पहला नियम है दोस्तों, रेल मंत्रालय द्वारा रिफंड नियम में बदलाव किया गया है जो कि 21 मार्च से 15 अप्रैल तक 2020 तक लागू रहेगा, और यह नियम टिकट खिड़की पर अनावश्यक भीड़ को कम करने के लिए लिया गया है। और दूसरा नियम आपको बताना चाहते हैं कि रेलवे द्वारा 21 से 15 अप्रैल के मध्य गाड़ी को निरस्त करने पर इसका रिफंड यात्रा के 45 दिन तक रिफंड दिया जा सकता है, जो कि पहले 72 घंटा होता था। और तीसरा नियम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपकी ट्रेन निरस्त नहीं हुई है और कोई यात्री यात्रा नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए नियम निकाला गया है कि उसका रिफंड आप कब ले सकते हैं। तो इसका रिफंड आप 30 दिन के अंदर ले सकते हैं, जो कि TDR फाइल करना होता है उसके द्वारा। तो ये रहे दोस्तों कुछ रेलवे के द्वारा नियम जो कि रिफंड को लेकर हैं, और आप ज़्यादा घबराइए मत, आपको रिफंड मिल जाएगा, और जितना भी रिफंड होगा वो सारा मिलेगा अगर रेलवे के द्वारा उस ट्रेन को कैंसिल किया गया। अगर आपने कैंसिल किया है तो उसकी जो कैंसिलेशन फीस होगी वो कट के आपको रिफंड मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हर राज्य में लॉकडाउन भी हो चुका है, तो आप अपने घर में रहिए और अपने भाई बंधुओं को सुरक्षित रखिए। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।